बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान सिसवन मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग यानी कि सिवान स्टेशन के करीब जो सिसवन ढाला है उस पर ब्रिज बनने वाला है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिवान सदर विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने एक अहम कदम उठाया है और इसके साथ ही सिवान और मैरवा मुख्य मार्ग पर यानी कि कचहरी ढाले पर भी ओवरब्रिज बनने की बात की जा रही है। ये पीछे हमारी जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पूर्व उत्तर रेलवे जोन गोरखपुर की ये तस्वीर है, गोरखपुर के रेलवे आईबी की ये तस्वीर है, जहां सिवान सदर विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रेलवे जोन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीर जो है अवध बिहारी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से इसे शेयर भी किया है। जी हाँ, देखिए पिछले कई सालों से लगातार सिवान के सिसवन ढाला पे ओवरब्रिज बनाने को लेकर राजनीति हो रही थी, लेकिन अब वो राजनीति कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है। कभी अवध बिहारी चौधरी कहा करते थे कि इस ब्रिज के लिए हमने कई बार अधिकारियों से बात की है, मंत्रियों से बात की है, तो ओम प्रकाश यादव भी शांत नहीं रहते थे। उन्होंने भी कई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला था जिसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि बहुत जल्द जो है कि सिवान का सिसवन ढाला बनेगा, रेल अधिकारियों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की। लेकिन अब जो है, अब लोगों को जो इंतजार था कि आखिर सिवान के सिसवन ढाले का भीड़ जो है वो कब खत्म होगा, तो हम आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सिवान सदर के विधायक हैं, उन्होंने एक अहम कदम उठाया है और ये तमाम राजनीति जो हो रही है इस राजनीति को अब जो है कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सिवान के लोगों को जो है कि जाम की समस्या से निजात मिलेगा और सिवान सिसवन ढाला जो है वो बन करके तैयार होगा। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिन अवध बिहारी चौधरी जो है वो सिवान से गोरखपुर गए हुए थे, पूर्व उत्तर रेलवे जोन के अधिकारियों से गोरखपुर के आईबी में मुलाकात किए हैं। वहीं की ये तस्वीर है, एक बार हम दिखाना चाहेंगे ये तमाम तस्वीर जो है अवध बिहारी चौधरी जब गोरखपुर पहुंचे ही हैं, यहाँ बगल में अवध बिहारी चौधरी बैठे हैं और ये तमाम जो लोग हैं ये अधिकारी हैं पूर्व उत्तर रेलवे जोन के जो गोरखपुर के आईबी में ये लोग बैठे हुए हैं और वहां जो है कि ये बातचीत हो रही है। और देखिए, और यहाँ बातचीत के बाद अवध बिहारी चौधरी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर किया है और उसमें कई सारी बात लिखी गई है। उन्होंने अधिकारियों से सिसवन ढाला के साथ साथ जो है कि कचहरी ढाले पे भी ब्रिज बनाने की, ओवर ब्रिज बनाने की बात की गई है, फ्लाईओवर बनेंगे और इससे जो है कि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। देखिए, लगातार कई वर्षों से ये सुनने को आ रहा था कि इस बार बनेगा, इस चुनाव में हमें जिता दीजिए, हम सिसवन ढाला को बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाया। अब उम्मीदें जो हैं, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी से थी, क्योंकि सदर विधायक जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो उन पे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। तो अवध बिहारी चौधरी ने भी इस पे अहम कदम उठाया है और अब गोरखपुर जाकर के पूर्व उत्तर रेलवे जोन के अधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की है सिसवन ढाले को लेकर। उसके साथ साथ अधिकारियों ने इन्हें अस्वस्थ भी किया है कि बहुत जल्द जो है कि सिसवन ढाले पे काम लगेगा और उसके साथ ही अवध बिहारी चौधरी ने अधिकारियों से अपील की है कि कचहरी ढाले पे भी जो जाम की समस्या होती है, तो अधिकारियों ने इस बात पे भी अस्वस्थ किया है अवध बिहारी चौधरी माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष को कि जल्द ही एक सप्ताह के अंदर जो है कि उसकी जाँच कराई जाएगी और वहां भी जो है कि काम लग जाएंगे। लेकिन अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कब काम लगता है और लोगों को, सिवान के लोगों को जाम की समस्या से कब निजात मिलता है। अवध बिहारी चौधरी ने एक अहम कदम उठाया है, इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।